नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म और क्रांति यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्या राजपूत आज आपको श्री गणेश भगवान की व्रत कथा सुनाऊंगी, तो ध्यान लगाकर सुनिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थे। एक अंधी बुढ़िया गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी सामने आकर कहते कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू और बेटे से पूछ कर मांग ले। बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला, धन मांग ले, और बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी तो थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपनी आंखें मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिसे बेटा और बहू मेरा सबका ही भला हो जाए, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है, हमारा वचन जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जिसो बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार अपने सब को दियो, वैसे ही सब को देना, हमको भी देने की कृपा करे। जय श्री गणेश। यदि आपको गणेश जी की कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल धर्म और क्रांति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक धन्यवाद।